जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजित है और मैं आप लोगों के सामने फ्रैक्शन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है, टाइप 3 है, ये टाइप 3 है, टाइप 1 और टाइप 2 नीचे लिंक दिया है। देखिए टाइप 3 क्या कहता है कि अगर मेरा जो ये सरफेस है इंक्लाइंड है और ये फोर्स पैरेलल है, कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग डायरेक्टर, ये जो क्लास है ये बहुत ही बेसिक से है। अगर कोई फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो बीटेक है, अगर बहुत ही बेसिक से, चाहे कोई तैयारी चेक कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल है। देखिए फ्रैक्शन में एफ इजकल टू क्या होता है, एफ इजकल टू क्या होता है, म्यू आर, क्या होता है म्यू आर। म्यू क्या है, कोफिशियंट फ्रैक्शन है, आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है, और एफ क्या है, फ्रैक्शन है, राइट। तो हम लोगों सबसे पहले ये देखिए कि जो फोर्स होता है कि हम लोग कैसे लेते हैं, जो आधार होता है उसे हम कॉस थीटा क्यों लेते हैं, और जो साइन थीटा होता है लंब को हम साइन थीटा क्यों लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, बहुत ही छोटे क्लास से एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो हम आधार को कॉस थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए इंक्लाइंड है, ये क्या है, इंक्लाइंड। आप बता सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है, लेकिन ये इंक्लाइंड होने की वजह से हम नहीं बता सकते कि ये एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में है। तो हम ये देखेंगे, हमें आधार की वैल्यू अगर ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, इस कर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कर्ण कॉस थीटा। कहने का मतलब ये कि जो इंक्लाइंड होगा उसका गुणा करेंगे और कॉस थीटा लिखेंगे, मतलब जो ये आधार की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, ये कॉस थीटा, आधार की वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा। और लंब की थीटा, जो लंब होता है वो साइन थीटा क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंब बराबर क्या हो गया, कर्ण साइन थीटा, राइट, कर्ण साइन थीटा। इसी वजह से लंब को हम साइन थीटा लेते हैं और आधार को क्या लेंगे, कॉस थीटा। देखिए ये थीटा है तभी ये आया, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, ये एंगल लिया हूं। फिर दूसरा अप्रोच समझाने का ये कि अगर कोई बॉडी है, राइट, अगर कोई, हम तो ये सीख चुके कि अगर जहां एंगल होगा वहां क्या लेंगे, कॉज, आधार वाले को क्या लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस वाले को क्या लेंगे, कॉज, और वाई एक्सिस वाले को क्या लेंगे, साइन। और जहां यहां एंगल था इसलिए इसे कॉज थीटा, जहां एंगल वहां कॉज, जहां एंगल वहां कॉज, हमें एंगल पर ध्यान देना है। तो हम चलिए, ये प्रॉब्लम ये कहता है, प्रॉब्लम ये कहता है कि इसको देखिए दो तरीके, हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, दो केस, इसलिए कि अगर फोर्स कम रहेगा, अगर फोर्स कम रहेगा तो लुढ़क जाएगा, फोर्स अगर कम रहेगा तो लुढ़क जाएगा मतलब नीचे चला जाएगा, और अगर फोर्स ज्यादा है तो हम इस बॉडी को खींच लेंगे। तो कितना केस बनता है, दो केस, लेकिन हम केस पहला देखेंगे। पहले केस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, कहां से फोर्स, हम ऊपर की ओर तरह खींच रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर की तरह खींचेंगे तो मोशन किधर होगा, मोशन उधर होगा। तो हम FBD बनाएंगे, सबसे पहला कदम कि हम सबसे पहले FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये इसको मैंने इस तरीके से बॉडी बनाया, ब्लॉक, राइट, ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझा लें, ये है 30 डिग्री। यहां देखिए एक चीज और कि यहां पे हम लोग ये डायरेक्ट करते हैं कि ये सर जी, ये तो हम जान गए कि ये आधार जो होता है जहां एंगल होगा वो कॉस थीटा में होगा और जो लंब होगा वो साइन थीटा में होगा, लेकिन हम बात ये आती है, वो लोग समझा देते हैं डायरेक्ट कि ये हो गया mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो ये इसको हम तोड़ दिए कि यहाँ पे हो गया mg cos थीटा और यहाँ लिख दिए mg sin थीटा, ये क्या लिख दिए, mg sin थीटा। तो हमको ये नहीं समझ आया, आप कभी गौर किए हैं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा, ये एंगल सेम कैसे होता है, तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, वो भी बता देते हैं आपको। तो देखिए इसलिए सेम होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेरा बॉडी है, राइट, यहाँ पे कोई मेरा कोई बॉडी है और जस्ट वेट, हम मान लीजिए इसका वेट W है, तो ये हमेशा नीचे की ओर जाएगा, इसे गिर जाएगा, सीधे जाएगा, एकदम सीधा आ गया, राइट, ये W है, ये थीटा है,
ये कि 9 डिग्री पर थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, कुछ भी हो सकता है 40 30 10 10 20 कुछ भी हो सकता है। और ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर। अब बताइए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस 90 और थीटा और ये प्लस मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, तो तीनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्स प्लस थीटा और प्लस 90 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए उधर लगा देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हमें x की वैल्यू मिल गई, ये आया 90 माइनस थीटा। फिर आप बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके जस्ट सामने एक ये इसके सामने जस्ट इसका वो इक्वल होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। देखिए ये इंक्लाइंड है, इसे झुका हुआ, इसे लटका हुआ है, तो ये दो भागों में टूटेगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। लेकिन जहां एंगल होगा वो कॉज होगा। तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये जस्ट इसके पैरेलल है, राइट, ये एकदम पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल तोड़ते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री। हमें ये एंगल ज्ञात करना है, तो इस एंगल का मान लीजिए हमने फिर से y मान लिया, इसे क्या मान लिया y। तो अगर जब मैं इसको y मान लिया तो फिर आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अंतः योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया वाई प्लस 90, देखिए इसके सामने ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस प्लस ये 90 डिग्री इक्वल टू होता है कितना है 180 डिग्री, राइट, कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू वाई प्लस 90 हो गया 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180 कट गया, तो वाई की जो वैल्यू हमें थीटा माइनस थीटा होता जाएगा, तो क्या होगा प्लस थीटा। मैंने ये भी सीख गया कि यहाँ जो एंगल होता है इस एंगल और ये एंगल सेम क्यों होता है, इसी वजह से ये सेम होता है। और जब हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया तो मैंने ये कहा जहाँ एंगल होता है वो कॉज में टूटता है, जहाँ एंगल वहाँ कॉज। तो ये W इंक्लाइन था, तो W को हमने दो भागों में तोड़ लिया, एक W कॉज थीटा और एक W साइन थीटा, बस यही फंडामेंटल है। और इसी फंडामेंटल को, इसी अप्रोच को लगाते हुए हम हर एक प्रॉब्लम को लगाएंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लगाते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है, इसका मान लीजिए वैल्यू दिया है म्यू का मान 0.1, म्यू का मान कितना दिया है 0.1, मुझे ये फोर्स पी की वैल्यू निकालना है। ये सब इंक्लाइंड है तो हम इसका जो एफबीटी बनाएंगे, एफबीटी यही बना लेते हैं। देखिए अगर ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर क्वेश्चन क्या था, यही था, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना होगा 30 डिग्री। तो ये दो भागों में टूटेगा, ये दो भागों में टूटेगा, कौन दो भागों में टूटेगा, ये 100 न्यूटन, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड, देखिए ऐसे लटका हुआ तो इंक्लाइंड नहीं है, इंक्लाइंड है। तो ये हमेशा वेट नीचे की ओर लगता है, कितना है ये वेट 100 न्यूटन का, वेट कितना है 100 न्यूटन का। इसे दो भागों में हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 100 कॉज 30 डिग्री और ये हो जाएगा 100 साइन 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 100 साइन 30 डिग्री। मुझे पी फोर्स ज्ञात करना है, म्यू की वैल्यू दिया है, मान लीजिए मैंने एज्यूम केस फर्स्ट क्या लिया था कि इस फोर्स को मैं ऊपर की तरह खींच रहा हूँ, अगर जब ऊपर की तरह खींचूंगा तो मोशन मेरा उधर होगा, मोशन मेरा किधर होगा उधर ही राइट साइड में होगा मोशन। फिर फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन कहता है कि अगर मोशन उधर होगा, मोशन उधर होगा तो फ्रैक्शन इधर लगेगा, जस्ट मोशन के अपोजिट। तो मैंने एज्यूम कर लिया, देखिए मोशन उधर होगा तो फ्रैक्शन इधर लगेगा, तो एफ इक्वल टू क्या होता है म्यू आर, फ्रैक्शन को मैंने इधर लगा दिया, अब कोई चीज नहीं है, सारा खेल एफबीडी का है। तो हम ऐसे कुछ इस तरीकों से इस सम को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस में, तो एक्स राइट साइड में, राइट साइड में एक्स एक्सिस में किस कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो पी लग रहा है, क्या लग रहा है पी, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जस्ट उसके अपोजिट में क्या क्या लग रहा है, एक तो फ्रैक्शन लग रहा है, फ्रैक्शन क्या लग रहा है म्यू आर, क्या लग रहा है म्यू आर, आप यहाँ पे लिखिए या म्यू आर लिखिए बात एक ही है। और इधर लिखिए, इधर भी एक और है, तो प्लस क्या है 100 साइन 30 डिग्री, राइट। अब देखिए वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में है, एक चीज और नहीं निकाले वो रिएक्शन फोर्स, अगर ये बॉडी है ये सरफेस है तो बॉडी और सरफेस के बीच में रिएक्शन फोर्स होगा, जस्ट इसके 90 डिग्री बनाते हुए चीरता हुआ जाएगा, राइट, वो नॉर्मल फोर्स होता है रिएक्शन फोर्स।
तो जस्ट इसके सामने तो मैंने जो इधर कर लिया ऊपर की तरह, मान लीजिए इसको एन, रिएक्शन फोर्स को क्या ले लिया यंग, रिएक्शन फोर्स को यंग ले लिया। अब सारा एबीडी मेरा क्लियर हो गया। तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की वाई डायरेक्शन में एल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 100 कॉस 30 डिग्री, राइट 100 कॉस 30 डिग्री। बस अब लगाते हैं, देखिए हम यहाँ एन बराबर मिल गया, हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम डायरेक्ट एफ वाई लगाएंगे, क्या एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन बराबर क्या ऊपर और इधर, तो एन बराबर हमको मिल जाएगा 100 कॉज 30 डिग्री, एन बराबर क्या मिल जाएगा 100 कॉज 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा कॉज, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस 30 की वैल्यू रखें, तो ये हो जाएगा 86.60 न्यूटन। मुझे रिएक्शन फोर्स मिल गया, मुझे रिएक्शन फोर्स मिल गया। अब मुझे P की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए था P की वैल्यू, तो P बराबर क्या हो जाएगा ये P सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई निकाल लिया मुझे एन की वैल्यू मिल गई, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उधर पी है, उधर पी है, और इधर कितना है मतलब बराबर ये हो जाएगा म्यू आर प्लस 100 साइन 30 डिग्री, 100 साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आपको दिया है 0.1 और आर की वैल्यू हम निकाल चुके 86.60 और प्लस ये हो जाएगा 50 न्यूटन। अब पी का वैल्यू आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आता है। इसका मल्टीप्लाई आया 8.66 और प्लस ये आ गया 50 और इसी में हम 50 ऐड कर देंगे, तो ये मेरा आ गया 58.66 न्यूटन। अर्थात हमें जो पी की वैल्यू मिल गई, पी की वैल्यू क्या है 58.66 न्यूटन। और केस टू हम थोड़ा आगे वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।